कुछ लिखना नहीं है, केवल समझना है। क्या कंप्लीट करने के बाद ओरल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा है? फाइव। चैप्टर नंबर फाइव एयर कंप्रेसर। फ्रेश वाटर जनरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, पंप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बॉल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं उसमें, उतनी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्रेश वाटर जनरेटर, उसके बाद में ऑयली वाटर सेपरेटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दो तीन चीजें और बचेंगी। अभी हम पढ़ेंगे एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर वाई वॉट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द एयर कंप्रेसर ऑन बोर्ड द शिप? पंखे की आवाज ज्यादा तो नहीं हो रही है, देखेंगे बाद में वीडियो में आ सकते हैं। एयर कंप्रेसर क्यों यूज करते हैं जहाज पे? हम टू प्रोड्यूस द कंप्रेस एयर। ओके, थैंक यू, वेलकम सर। टू प्रोड्यूस द कंप्रेस एयर। कंप्रेस एयर कहां से मिलती है हमें? कंप्रेसर से। आपने कंप्रेसर देखा सभी ने? कहां पर देखा? वर्कशॉप में। वर्कशॉप में। ओके, आप जब आपके पास, सबके पास कार है, बाइक है, है ना, तो कार बाइक में जब पंचर हो जाता है तो आप क्या करते हो? उसमें हवा बढ़ाना चाहते हो, तो कौन सी हवा होती है? कंप्रेस्ड एयर। ओके, रोड साइड में जो पंचर की दुकानें होती हैं वहां पर एक छोटा छोटा कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। ओके, तो वो उसमें से जो हवा आती है कौन सी होती है? कंप्रेस्ड एयर। सेम कंप्रेसर जहाज में भी होते हैं। मोहम्मद समी प्लीज स्टैंड अप, इधर आ जाओ वहां पर। क्या हो गया था? क्या हो गया था? क्यों बुलाया आपके यहां? वो कट कर देंगे वीडियो में, हम इतना कट कर रहे हैं। ओके, तो जो कंप्रेसर आपने देखे ना रोड के साइड में छोटी छोटी दुकानों में रहते हैं, वो सारे के सारे सिंगल स्टेज कंप्रेसर होते हैं। आपने वर्कशॉप में भी देखा होगा। यहाँ पे हम पहले टाइप्स ऑफ द कंप्रेसर पढ़ लेते हैं, फिर जब कंप्रेसर क्यों प्रोड्यूस करते हैं, उसका यूज क्या होता है, सिर्फ वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कंप्रेसर है उनके टाइप्स में अगर जाएंगे तो नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, मैं कंप्रेसर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल या फिर रोटरी। ओके, और तीसरा होता है हमारा यहाँ पे स्क्रू कंप्रेसर। ये तीन तरह के कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल या फिर उसका दूसरा नाम है रोटरी, उसके बाद में रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, सॉरी एयर कंप्रेसर। जो हमारे सिलेबस में है वो है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ये दोनों हमें स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, ये दोनों हमें स्टडी नहीं करेंगे। ये जो कंप्रेसर्स होते हैं इसको नॉर्मली हम टर्बोचार्जर में देखते हैं। इंजन में टर्बोचार्जर होता है, डीजल इंजन में, उसमें ये रहता है। और ये स्क्रू कंप्रेसर होता है वो हम यूज करते हैं नॉर्मली बल्क एयर के लिए। बल्क एयर का मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको एयर चाहिए, जो ऑफशोर वेसल्स होते हैं, ड्रिलिंग वेसल्स होते हैं, उनमें कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वहां पे आपको स्क्रू एयर कंप्रेसर मिलेंगे जो बल्क में हाई प्रेशर एयर प्रोड्यूस करते हैं। बल्क में हाई प्रेशर एयर प्रोड्यूस करते हैं। समझ आ गया? अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, स्क्रू, इससे कुछ समझ में आ रहा है? क्या चीज से मिलता जुलता हो रहा है काम यहाँ पर? पंप्स के साथ में। ओके, पंप का भी तो यही नाम से होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्क्रू पंप, ऐसे ही यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ द कंप्रेसर डिस्कस किया। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ये हमारे सिलेबस में है, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन टू थ्री। सिंगल स्टेज, स्टेज
डबल स्केल्स एंड मल्टी स्केल्स। समझ में आ गया? सिंगल स्केल एयर कंप्रेसर, आगे एयर कंप्रेसर लिख देते हैं। सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर, डबल स्टेज एयर कंप्रेसर एंड मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। मुझे बताओ एयर कंप्रेसर क्या है? ऑक्सिलरी मशीन है। बोलो यस सर। यस ओके। एयर कंप्रेसर क्या है? ऑक्सिलरी मशीन। ठीक है, क्या हुआ? कोई पूछ रहा है कुछ? बेटा कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है, तो आपने वर्कशॉप में सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर देखा होगा। देखा है कि नहीं? नहीं देखा है तो दिखा देंगे। और वहां पर डबल स्टेज भी है? नहीं है, सिंगल डबल स्टेज एयर कंप्रेसर। ओके, मेक श्योर ओनली वी हैव ओनली सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड आउट। अब जाओगे तो देखना कि डबल स्टेज है कि नहीं है। हमारे पास में सिर्फ सिंगल स्टेज है और मल्टी स्टेज है। समझ में आ गया? ओके, सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। यहाँ पे देखो स्टेज, स्टेज का मतलब होता है कि इंजन में, इसमें सॉरी कंप्रेसर में एक पिस्टन होगी और एक ही सिलेंडर होगा। पिस्टन एंड सिंगल, डबल होगी तो, अगर डबल होगी तो कितना होंगे? दो पिस्टन दो सिलेंडर। मल्टी होगी तो मोर देन टू। मल्टी तो मोर देन टू हो गया ना? बोलो यस सर। उसको थ्री स्टेज थोड़ी बोल सकते हैं। सिंगल डबल के बाद में मल्टी आता है, तो मल्टी स्टेज मीन्स मोर देन टू सिलेंडर्स एंड टू पिस्टन्स। अर्जुन यू आर राइटिंग समथिंग, समझ में आ गया इतना? यस सर। टाइप्स, पहले हमने बताया तीन कंप्रेसर, उसके बाद उसने रेसिप्रोकेटिंग को हमने क्लासिफाइड किया यहाँ पर सिंगल स्टेज, डबल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। ओके, क्लियर हो गया इतना? नाउ व्हाई वी यूज कंप्रेसर्स ऑन बोर्ड द शिप। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ एयर कंप्रेसर और कंप्रेस्ड एयर। इसका यूज तो कंप्रेस्ड एयर को प्रोड्यूस करना है, लेकिन क्यों? व्हाई वी आर यूजिंग द कंप्रेस्ड एयर ऑन बोर्ड द शिप, क्यों चाहिए कंप्रेस्ड एयर हमें? गुड, देखो पहला हमारा जो मोटिव है वो है हमारा यूज क्या है इसका, इसका कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर हमें कहां से मिल रही है? एयर कंप्रेसर से मिल रही है। यस सर। एयर कंप्रेसर से जब हमें कंप्रेस्ड एयर मिलेगी, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एयर कंप्रेसर एक बना लेता हूं जो आपको रोड साइड में देखने को मिलता है वो वाला। रोड साइड में ऐसा ही मिलता है देखने को, है ना? और यहां से एक कनेक्शन निकला रहेगा बाहर। बोलो यस सर। ये क्या बन गया आपका? एयर वॉटर। क्या है ये? एयर वॉटर। ठीक है, यहां पर भी एयर रिजर्वायर है बट हमने यहां पर यूज किया। तो ये कंप्रेसर है आपका, ये क्या है? एयर वॉटर। तो जो बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है कि कंप्रेसर से एयर कंप्रेस्ड होके यहाँ पर जाके स्टोर होती है। ओके, एयर कंप्रेसर का काम क्या है? एयर को एटमोस्फियर से सक्शन लेके, मतलब अपनी तरफ खींच के उसको कंप्रेस करके और एयर बॉटल में भेज देना। ओके, एयर बॉटल, व्हाट इज मीन? एयर बॉटल इज यूजिंग टू स्टोर द कंप्रेसर। एयर बॉटल का यूज क्या हो रहा है यहाँ पर? यस, टू स्टोर द कंप्रेसर। हम यहाँ पे लिख ही देते हैं
to store the compressed air. Okay? समझ में आ गया इतना? और ये क्या करता है? प्रोड्यूस द कंप्रेस्ड एयर, है ना? समझ में आ गया? एयर कंप्रेसर से जो एयर प्रोड्यूस होती है वो कहां पर जाती है? सीधी एयर बॉटल में। अब हमको एयर बॉटल में कहीं भी अगर हमें एयर का यूज करना होगा तो हम एयर कहां से लेंगे? एयर बॉटल से लेंगे। क्लियर? कहां से लेंगे? एयर बॉटल से। एयर बॉटल से। तो जब हम एयर बॉटल से एयर को लेंगे तो उसमें से एयर बाहर निकलने के लिए कनेक्शन होना चाहिए। ये क्या है? ये कनेक्शन किस चीज के लिए दिया गया है? एयर को फिलअप करने के लिए। एयर को फिलअप करने के लिए। फिलअप करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका इनलेट, ठीक है? एयर इन हो गया, समझ आया? ये तो इनलेट हो गया, अंदर एयर जा रही है। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट यूजेस करने हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं ना एयर के साथ में। तो हम काम क्या क्या करेंगे उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये एयर बॉटल है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है टू स्टार्ट द डीजल इंजन, टू स्टार्ट द मेन इंजन। इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें एयर चाहिए, बिकॉज जहाज का जो मेन इंजन होगा या फिर जो जनरेटर या ऑक्सिलरी इंजन जिसको बोलते हैं वो किससे स्टार्ट होता है आपका? एयर। कौन सी एयर होती है? वो कंप्रेस। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वही है, क्योंकि अगर इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो सिर्फ चलेगा क्या? तो इंजन को स्टार्ट करेंगे हम कंप्रेस एयर से। तो यहाँ पर पहला कनेक्शन जो दे देंगे हम वो दे देंगे किसके लिए? मेन इंजन। किसके लिए? मेन इंजन। आ गया। मेन इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें 20-32 बार एयर चाहिए। क्या कितना चाहिए? 20-32 बार। ये कितनी है मैक्सिमम? कितनी चाहिए हमको? 32 बार। और एयर बॉटल जो है उसका प्रेशर भी कितना होता है मैक्सिमम? 32 बार। तो 32 बार के एयर एयर बॉटल में है तो हम इससे इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं ना? यस सर। बोलो यस सर। अगर एयर बॉटल में प्रेशर 32 की जगह 28 होता, 28 होता, क्या हम स्टार्ट कर सकते थे? यस, कर सकते थे। बट इट्स डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर्स। अलग अलग कंपनी के इंजन होते हैं तो उनकी स्टार्टिंग क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। कोई इंजन आपका 28 पे स्टार्ट होगा, कोई 30 पे स्टार्ट होगा, कोई 32 पे स्टार्ट होगा। ओके, मैक्सिमम आप 32 बार तक, 32 बार तक का इंजन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि आपकी एयर बॉटल का प्रेशर कितना है? समझ में आ गया। एक कनेक्शन आपने दे दिया मेन इंजन के लिए, फिर हमें ऑक्सिलरी इंजन भी स्टार्ट करना होगा क्या? बोलो पटेल, स्टार्ट करना होगा क्या? सॉरी, क्यों बंद क्यों करना? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑक्सिलरी इंजन? सपोर्टिंग मशीन। हाँ, तो ऑक्सिलरी इंजन तो सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो मेन इंजन चालू होगा। तो जब मेन ऑक्सिलरी इंजन चालू करना है तो उसके लिए भी एक कनेक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया ऑक्सिलरी इंजन, प्रेशर दोनों का सेम रहेगा। ओके, तीसरा पॉइंट आपको क्लीनिंग करनी होती है, सिर्फ क्लीनिंग करनी होती है, जनरल पर्पज क्लीनिंग जो होती है उसके लिए भी कंप्रेस एयर लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्लीनिंग लिख देते हैं। चलो एक पॉइंट उसके लिए भी हो गया। फिर हमें इंजन को स्टार्ट करते हैं जब, दोनों इंजन को, तो इनको स्टार्ट करने के लिए हमें एयर स्टार्टिंग वॉल्व की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और एयर स्टार्टिंग वॉल्व जो होता है उसको ऑपरेट करने के लिए फिर से हमें कंप्रेस्ड एयर लगती है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एयर। क्या बोलते हैं? कंट्रोल एयर। ये रिक्वायरमेंट्स है आपकी शिप में कंप्रेस्ड एयर। ओके, अब ये कितना कितना प्रेशर है बेटा? कैसे पता चलेगा आपको? लगाना पड़ेगा ना एक प्रेशर गेज। एक प्रेशर गेज लगा दिया हमने यहाँ पर।
अब अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वेरी गुड जतिन, जतिन ने बताया सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ। क्या काम होता है सेफ्टी वॉल्व का? टू रिलीज द एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द सिस्टम। ओके, क्या लगा हुआ है यहाँ पर? सेफ्टी वॉल्व या फिर रिलीफ वॉल्व, यहाँ पे लगा रहता है हमेशा रिलीफ वॉल्व। ओके, एक हमने ये रिलीफ वॉल्व लगा दिया, क्या लगा दिया? हो गया। अब आपको अगर एयर बॉटल है ये, इसका मेंटेनेंस भी करना होगा कभी ना कभी, तो उसके लिए एक मेन होल डोर लगेगा आपको बीच में, लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो यस सर। ये देखो मेन होल डोर लग गया इसमें, समझ में आ गया? एयर बॉटल, और एयर बॉटल के ऊपर में कितनी सारी चीजें लगी हुई है, दिख रहा आपको? Yes, sir. इन सबको हम बोलते हैं एयर बॉटल्स माउंटिंग। क्या बोलते हैं? एयर बॉटल्स माउंटिंग। एयर बॉटल माउंटिंग मीन्स एयर बॉटल पे क्या क्या आइटम्स लगे हुए होते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कंप्रेस एयर का यूज समझ में आ गया? व्हाट द यूजेस ऑफ कंप्रेस एयर? ठीक है, ओके। क्या क्या लगा होता है प्रेशर के? रिलीफ वॉल्व, मेन होल डोर, और ये जितने भी ये क्या कनेक्शन ही तो है? तो मेन इंजन आउटलेट, एयर ऑब्जर्वेशन आउटलेट, जनरल पर्पस क्लीनिंग आउटलेट, कंट्रोल एयर आउटलेट, और इन कंप्रेस एयर इन, ये सारे के सारे क्या है? एयर बॉटल्स माउंटिंग। समझ में आ गया? चलिए यहां तक के लिए काफी है। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बेसिक यूजेस पता चल गया आपको? बेसिक फंडा पता चल जाएगी कैसे एयर वहां पहुंचती है? क्लियर हो गया यहां तक किसी को? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कंप्रेस एयर कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ओके, यस सर।